हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहां पर एचआर मैनेजर जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एचआर का क्या काम होता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इसी तरीके जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहा है उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचआर के बारे में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो एचआर की फुल फॉर्म होती है वो होती है ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो एचआर होता है वो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक कंपनी के अंदर जो है एचआर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एचआर जो है जितने भी नए एम्प्लॉयज कंपनीज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट से लेके उनको जो है एक्सिट तक की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा वो वर्क करता है। ठीक है, सभी तरीके का वर्क वहां पर वो देखता है। वो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होती है, ठीक है, पूरी प्रोसेस को वो देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग की प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है जो कंपनीज में एम्प्लॉयज आए हैं, ठीक है, वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सैलरी से रिलेटेड जो है जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं सैलरी बनाना, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, उनको इंसेंटिव क्या देना है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, जो उन्होंने लीव ली है, ठीक है, या लेट आवर्स उन्होंने वर्क किया है, ठीक है, तो उसमें क्या उनको जो है पेमेंट करना है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो टीम आई है उसको किस टाइप से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना है, ठीक है, उसके रिलेटेड भी वर्क जो है एचआर जो होता है वो करता है। और भी डिफरेंट तरीके के वर्क होते हैं जो एचआर मैनेजर करता है एक कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एचआर मैनेजर। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो एचआर मैनेजर्स होता है, ठीक है, वो अपनी टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करके वर्क करता है। उसकी टीम के अंदर जो लोग होते हैं वो होते हैं जो एचआर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एचआर के साथ में मिलके काम करते हैं। जो एचआर की टीम के अंदर होते हैं वो होते हैं एचआर जर्नलिस्ट होता है, ठीक है, एचआर एडमिन होता है, एचआर असिस्टेंट होता है, इस तरीके के लोग उसके साथ में मिलके काम करते हैं। बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि एचआर जर्नलिस्ट का क्या काम होता है, एचआर असिस्टेंट का क्या काम होता है, एचआर एडमिन का क्या काम होता है, तो इन सब के ऊपर जो है मैंने सेपरेट सभी के ऊपर वीडियो बनाए हैं। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना, उन वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि एचआर जर्नलिस्ट का क्या काम होता है, एचआर एडमिन का क्या काम होता है, एचआर असिस्टेंट का क्या काम होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एचआर मैनेजर की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो एचआर मैनेजर होता है उसका सबसे ज्यादा जो मेन काम होता है वो होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो है जितने भी इम्प्लॉयज जो है कंपनी के अंदर आने वाले हैं, ठीक है, जो न्यू हायरिंग होने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए एक रिक्रूटमेंट का प्लान बनाना पड़ता है, एक प्रोसेस जो होती है जो, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है वहां पर सारी चीजें देखते हुए एक प्लान को तैयार करना पड़ता है। उस प्लान के अंदर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, वो डालना पड़ता है कि जो भी नए एम्प्लॉयज आने वाले, जो न्यू हायरिंग होने वाली है, ठीक है, इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो वहां पर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है कि किस पोस्ट के लिए एड निकाला जा रहा है, ठीक है, उस पोस्ट पे उस एम्प्लॉयज का क्या काम होगा, ठीक है, तो उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन वहां पर डालना पड़ता है। वहां पर डालना पड़ता है कि कितनी वैकेंसी है, ठीक है, कितनी वैकेंसी के लिए हायरिंग हो रही है, ठीक है, साथ ही साथ उसमें जो है कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, सैलरी पैकेज डालना होता है, साथ ही साथ जो है उसमें कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, वो डालना होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ठीक है, वो लिखना होती है, इंटरव्यू मोड के बारे में लिखना होता है कि इंटरव्यू किस तरीके से होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा या वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू होगा या टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, ठीक है, या फिर जो है इंटरव्यू जो है जो वॉक इन होना है, ठीक है, इंटरव्यू का एड्रेस क्या है, वेन्यू क्या है, ठीक है, टाइमिंग क्या है, इसके रिलेटेड भी वहां पर जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होती है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन वहां पर होता है, ठीक है, तो वहां पर इसको भी मेंशन करना होता है। ये भी जो है एचआर को डिसाइड करना होता है, इसका भी एचआर को प्लान बनाना होता है। इसके बाद में जो है फिर जब ये जो है पोस्ट को जो है जब ये बनकर तैयार हो जाता है, फिर इस पोस्ट को जो है डिफरेंट तरीके की जो वेबसाइट है, ठीक है, नौकरी के जो पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, वहां पर इसको पोस्ट करना होता है, ठीक है, ये पोस्ट करने का काम भी एचआर का ही होता है। तो एचआर जो होते हैं डिफरेंट तरीके की जो जॉब से रिलेटेड जो जॉब पोर्टल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है इस तरीके के पोस्ट को डालते हैं, ठीक है, फिर वो पोस्ट जब जाता है, ठीक है, जॉब सीकर है जो जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है, फिर वो उसमें पोस्ट को देखते हैं, ठीक है, उसमें जो एड्रेस दिया होता है, मेल आईडी दी होती है, उसमें अपना सीवी जो है सबमिट करते हैं। फिर एचआर क्या होता है कि एचआर उन सीवीज को देखता है, ठीक है, उनसे जो भी सीवीज जो है उनको पसंद आते हैं, ठीक है, उनको शॉर्टलिस्ट
लिस्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू उनका लेते हैं, ठीक है, इंटरव्यू लेने के बाद में फिर उनके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस में जो है एचआर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, एचआर को पूरा उसका जो है जो भी प्लान होता है, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान रखना होता है, ठीक है, सारी चीजों के ऊपर जो है फोकस करके रखना होता है, स्टार्टिंग से लेके जो जॉब पोस्ट बना, ठीक है, उसको बनाने से लेके जो इंटरव्यू लेना है, ठीक है, इंटरव्यू लेने के बाद उसके बाद जो इम्प्लाइज है, ठीक है, उसने जो ज्वाइनिंग की है, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पर जो उनके डॉक्यूमेंट है उनके वेरिफिकेशन करना है, सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग कराना, इन सब काम में जो है एचआर इन्वॉल्व होता है। एचआर का ये मेन काम होता है हायरिंग होने के बाद में जो है फिर जो नए एम्प्लॉय होते हैं उनका जो है एचआर इंडक्शन होता है, ठीक है, एचआर इंडक्शन के अंदर जो है उनको सारी चीजें बताई जाती हैं, कंपनी के बारे में बताया जाता है, कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ उनका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, साथ ही साथ उनको जो सैलरी मिलेगी, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है, पीएफ के बारे में बताया जाता है, ईएसआई के बारे में बताया जाता है, इन सब के बारे में जो है उनको पूरी डिटेल दी जाती है, इंसेंटिव के बारे में बताया जाता है, ठीक है, सभी जो उनके डाउट होते हैं, ठीक है, वो इसमें उनके जो है क्लियर किए जाते हैं, साथ ही साथ उनका वेलकम किया जाता है, यहाँ पर वेलकम किट भी दी जाती है। तो इस तरीके के वर्क जो होते हैं वो एचआर इंडक्शन के अंदर किए जाते हैं। एचआर इंडक्शन करने का मतलब सीधा यही होता है कि जितने भी न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं, जितने भी न्यू हायरिंग हो रही है, ठीक है, जो भी न्यू ज्वाइनिंग है, ठीक है, उन्हें जो है सारी चीजें क्लियर हो जाए, कंपनी के बारे में सब क्लियर हो जाए, कंपनी की जो पॉलिसीज है उसके बारे में क्लियर हो जाए, जो उनका जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में क्लियर हो जाए, सैलरी के बारे में क्लियर हो जाए, ठीक है, जो उनको इंसेंटिव मिलना है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, पीएफ कितना कटेगा, ठीक है, उसके बारे में क्लियर हो जाए, पीएफ क्या होता है उसके बारे में क्लियर हो जाए, ईएसआई के बारे में उनको सब क्लियर हो जाए। तो इस तरीके के जो उनके डाउट होते हैं, ठीक है, उन डाउट को क्लियर करने के लिए एचआर इंडक्शन किया जाता है। एचआर इंडक्शन करने का पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो एचआर मैनेजर्स की होती है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो एचआर मैनेजर होता है उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन भी करना होता है, ताकि जितने भी न्यू एम्प्लॉयज आए हैं, ठीक है, जो कंपनी को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उनकी जो ओजीटी होनी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होनी है, ठीक है, उसमें वो अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो सके, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना। तो जो एचआर मैनेजर होता है, ठीक है, उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है, प्रोग्राम है उसको अच्छे से डिजाइन करें, ताकि जो भी नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे से ट्रेनिंग ले सकें, ठीक है, मोटिवेट होकर काम कर सकें, ठीक है, उनको जो है टीम वर्क में काम करना अच्छा लग सके, ठीक है, टीम वर्क में कैसे काम किया जाता है उसके बारे में उन्हें जानकारी हो सके। तो ये सारी चीजें जो है उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर समझाई जाती है। हम यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉय डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो एचआर मैनेजर्स होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि जो न्यू ज्वाइनिंग है, ठीक है, न्यू जो हायरिंग हो रही है, ठीक है, जो उनके जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनको सबमिट करने का काम भी एचआर मैनेजर्स का ही होता है। तो उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनको वहां पे सबमिट करना, साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस लेटर है, ठीक है, उसको सबमिट करना, लिविंग लेटर जो है उसको सबमिट करना, आईडी प्रूफ को सबमिट करना, ठीक है, जो उनकी सैलरी प्रूफ है, ठीक है, उसको सबमिट करना। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट को सबमिट करना जो है एचआर मैनेजर्स का काम होता है। साथ ही साथ जो उनकी ज्वाइनिंग के टाइम पे उनको डिफरेंट तरीके के जो उनसे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, ठीक है, उनको भी सबमिट करवाना यहाँ पे एचआर मैनेजर का ही काम होता है। साथ ही साथ उनको सबमिट करके अच्छे से चेक करके जो है फिर उनको जो है आगे नेक्स्ट प्रोसेस में भेजने का काम भी इनका जो है एचआर मैनेजर्स का ही होता है, ताकि जो है उनके जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से सेव होके रख सकें, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एचआर मैनेजर्स होता है वो एम्प्लॉय की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, उसके जो है अच्छे से जो प्रक्रिया है पूरी वो अच्छे से करे, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करे, ठीक है, चेक करने के बाद उनको अच्छे से सबमिट करे। यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉय ग्रीवियंस। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी एम्प्लॉयज है, ठीक है, अगर उसका कोई ग्रीवियंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कोई इशू आ रहा है, ठीक है, टीम मेंबर से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, बॉस से रिलेटेड कोई उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसके रिलेटेड वो आपसे कंप्लेन करना चाहता है एचआर मैनेजर से, तो एचआर मैनेजर का यहाँ पर प्रमुख काम होता है कि उसके जो भी ग्रीवियंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अच्छे से सुनना, समझना, ठीक है, फिर उसके बाद उसका प्रॉब्लम का सॉल्व आउट करना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो एचआर मैनेजर होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि जितनी भी सैलरी है, ठीक है, उसको प्रोसेस करने से पहले जो है एचआर अटेंडेंस शीट को कैलकुलेट करता है। वहां पर वो देखते हैं कि बेस ऑन द लीव या फिर बेस ऑन द लेट मार्क, वहां पर कितने लेट मार्क हैं या फिर कितनी लीव एम्प्लॉयज ने ली है, ठीक है, उस
शीट को पूरा देखने के बाद उसकी जो है एक अटेंडेंस शीट जो है तैयार की जाती है। उस अटेंडेंस शीट के बिहाफ पर जो है सैलरी को प्रोसेस किया जाता है, जो है कैलकुलेट भी किया जाता है, फिर उसमें से जो है नेसेसरी डिडक्शन भी किए जाते हैं, जैसे कि पीएफ का डिडक्शन, ईएसआई का डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन, इस तरीके के डिडक्शन भी किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है सैलरी को प्रोसेस किया जाता है, ये भी एचआर का ही काम होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, उसकी जो सैलरी रिवाइज होनी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसकी परफॉर्मेंस अप्राइजल को चेक किया जाता है। इसमें जो एचआर होता है, ठीक है, उसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, वो फीडबैक देते हैं एम्प्लॉयज का कि वहां पर उन्होंने कैसा वर्क किया, ठीक है, उनका जो फीडबैक आता है, ठीक है, फीडबैक के बेस के ऊपर जो है उनका परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है। साथ ही साथ कुछ कंपनीज के अंदर जो है एम्प्लॉयज के टेस्ट भी लिए जाते हैं, इंटरव्यू भी लिए जाते हैं कि उन्होंने जो है यहाँ पर जो है कैसा काम किया, क्या क्या चीजें वहां पर उन्होंने सीखी है, ठीक है, उसको देखते हुए उनको जो है मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अलग अलग कंपनीज में जो है उनका परफॉर्मेंस अप्राइजल का जो पैरामीटर्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंपनीज होती हैं वो परफॉर्मेंस अप्राइजल में जो है पूरी साल का देखते हैं कि एम्प्लॉयज ने कैसा वर्क किया, ठीक है, उनका कौन कौन से जो है फीडबैक कैसे आए, ठीक है, उनको जो है किस किस टाइप की रेटिंग मिली है, ठीक है, सभी चीजों को देखते हुए उनका परफॉर्मेंस अप्राइजल किया जाता है। तो बात करते हैं कंपनसेशन एंड बेनिफिट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो एचआर मैनेजर होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि जब एम्प्लॉय की सैलरी बनाई जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी कितनी होगी, ठीक है, उसको एचआरए कितना मिलेगा, टीए कितना मिलेगा, डीए कितना मिलेगा, इस तरीके का उसको जो है जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसको ऊपर फोकस करना होता है। साथ ही साथ उसको ये भी ध्यान रखना होता है कि बेसिक डिडक्शन क्या होंगे और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट देने हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, इस तरीके के जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी वहां पर वर्क किया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं एक्सिट प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब एम्प्लॉय जो है रिजाइन करके जा रहा है तो उसकी सारी प्रोसेस को कंप्लीट भी किया जाता है। ये भी जो है एचआर मैनेजर्स का ही प्रमुख काम होता है कि जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उसको अच्छे से कंप्लीट करवाना। तो यहाँ पर जो रेजिग्नेशन मेल होता है हैंड ओवर प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है इसको चेक करना, साथ ही साथ उनको जो है रिलीविंग लेटर देना, उनके जो है जो भी ड्यू है, ठीक है, उन सबको क्लियर करना, यहाँ पर जो है एचआर मैनेजर्स का काम होता है। एचआर मैनेजर्स होता है, ठीक है, उसको अपनी टीम को बनाना भी होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसकी टीम के अंदर जो लोग काम करते हैं वो एचआर जर्नलिस्ट होता है, एचआर असिस्टेंट होता है, एचआर एडमिन होता है, ठीक है, उनको जो है पेरोल से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वर्क भी करना, उनको सिखाना जो है एचआर मैनेजर्स का ही काम होता है। साथ ही साथ जो एक्सेल के ऊपर काम होता है, ठीक है, उसको सिखाना भी एचआर मैनेजर्स का ही काम होता है। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको एचआर मैनेजर जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।